तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जो लोग पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को आगे भी फॉरवर्ड कर दें, जिससे कि आप सभी लोगों को लगातार ये क्लासेस मिलती रहें। दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर ललित और मैं पढ़ाऊंगा आज आपको मैथमेटिक्स, और हमेशा पढ़ाता हूँ मैथमेटिक्स। तो पहला सवाल थोड़ा सा भारी होगा, अरे क्या बात आयुष, थोड़ा सा भारी होगा और इस भारी भरकम सवाल को मैं आपके सामने रखता हूँ। क्वेश्चन है, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बी सी डी ई के समांतर होने पर यदि ए बी बराबर 12 है, डी बी बराबर 6 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो डी ई की लंबाई कितनी है। क्वेश्चन आपके सामने है और यहाँ पर आप आसानी से क्वेश्चन को समझ पाएंगे, अगर मुझे आपसे उम्मीद है और आशाएं हैं कि आप इस सवाल को बहुत अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, एक यहाँ पर डी सी जो है वो बी सी जो है डी ई के समांतर दिया हुआ है। अब सवाल आपके समक्ष है, आपको देना है जवाब और मुझे उम्मीद है कि इस सवाल को आप आसानी से करेंगे। मैं भी समझा देता हूँ, शायद आपको पुरानी बातें याद आ जाएं। देखो सवाल समझने की कोशिश करना, उसने बोला है ये दोनों समांतर हैं, यानी उसने बोला बी सी और डी ई समांतर हैं, ये दोनों ही बराबर हैं। जब ये समांतर होगी इसका मतलब क्या, मध्य बिंदु से होकर जाएगा ये वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए बी यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 12, डी बी आपने कहा 6 और बी सी 10 है, ये आपके सामने उसने बोला है, तो डी ई की लंबाई बताओ, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है। तो शायद इस सवाल को आप आसानी से कर पाएं। और अगर आपको याद हो कि अगर ये 90 डिग्री का है और ये इसके मध्य बिंदु पर समांतर जाता है, तो मध्य बिंदु होते हैं, तो एक त्रिभुज को उसके मध्य बिंदुओं पर जब एक रेखा खींची जाती है उनके समांतर होती है, पैरेलल होती है, और वो पैरेलल लाइन हमेशा दो थेल्स प्रमेय के साथ प्रूफ होती है, जिसको बोलते हैं आप क्या, दैट इज सर्वांगसम, कॉन्गुरेंसी। और कॉन्गुरेंसी के अकॉर्डिंग की प्रॉपर्टी क्या बनेगी, इसका मतलब क्या है कि ए सी बी, ट्राइंगल ए सी बी, ए सी बी और ट्राइंगल ए ई डी दोनों क्या हैं, सर्वांगसम हैं। और सर्वांगसम की प्रॉपर्टी तो आप जानते हैं क्या होती है, कि अगर मैं बोलूं तो ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी ई, ये तो होता सर्वांगसम। अगर हम सर्वांगसमता की बात करते हैं, थेल्स प्रमेय यही तो है कि ए बी अपॉन ए डी बराबर बी सी अपॉन डी ई होना चाहिए। अब आपको ए बी तो पता है, ए बी कितना है 12, आपको ए डी कितना है। अब देखो ए डी, ए से बी तक 12, बी से डी तक 6, अगर मैं यहां से यहां तक की लंबाई निकालूं तो 18 हो गई ना, इज इक्वल टू बी सी कितना है, आपने कहा 10 और आपसे डी ई की लंबाई पूछ रहा था। हाँ मैं पहुंच गया मनोहर, तो क्या हुआ, आपने कहा डी ई इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 18 अपॉन 12। अब इसको 6 से काटे, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 2 से काटे, 5 ती 15, तो क्या होना चाहिए आंसर, तो राइट ऑप्शन क्या है, तो डी ई की लंबाई कितनी हो गई, 15 सेंटीमीटर। तो आपको सर्वांगसमता समझ में आई, क्या होती है सर्वांगसमता, आपको कॉन्ग्रेंसी समझ में आई, क्या थेल्स प्रमेय होती है ये भी समझ में आया, और कैसे सवाल को करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ए बी अपॉन ए डी बराबर ए ई अपॉन ए सी भी होता है। हाँ सफर अच्छा रहा, इट्स 15 ऑप्शन नंबर 2, बहुत बढ़िया जवाब मिला है मुझे कादंबनी। एक और सवाल चलो आसान लेते हैं, एक 38 मीटर लंबे तथा 32 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र के अंदर की ओर चारों तरफ एक समान चौड़ाई वाला एक पथ बनाया गया है, यदि पथ का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर हो तो पथ की चौड़ाई क्या होगी। सवाल को समझना, सवाल थोड़ा सा घुमा दिया गया है, जो पहले सवाल हम पूछते थे वहां पर आप पथ का एरिया निकालते थे कि उस पथ का एरिया क्या है, यहां पर ऑलरेडी उस पथ का एरिया दिया हुआ है, अब आपको बताना है कि उस पथ की चौड़ाई क्या है। सवाल ऐसे है, एक मैं इसका चित्र बना देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए, ये एक ऐसे एक आयताकार 38 मीटर लंबा और 32 मीटर चौड़ा क्षेत्र है, उसके अंदर की तरफ, अब अंदर की तरफ बात हो रही है तो मैं कलर चेंज करके दिखा देता हूं, इसके अंदर की तरफ एक ये ऐसे समान चौड़ाई वाला रास्ता है, तो अंदर का वृत्त ये बना, उसने कहा तो इस पथ की चौड़ाई ये वाली लंबाई ये वाली पूछी ये कितनी है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, आसानी से समझ में आ रहा होगा, इसकी चौड़ाई पूछी है। अब देखो अब तक हमें क्या पता होता था पुराने क्वेश्चंस में, कि 38 और 32 हमें देता था, वो कहता था 2 मीटर चौड़ा रास्ता है,
5 मीटर चौड़ा रास्ता जो अंदर की तरफ है बाहर की तरफ है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। तो यहाँ अपोजिट कर दिया। तो मैंने क्या किया, मैंने छोटा सा काम किया। वो काम क्या देखना अभी, मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई ये वाला जो रास्ता माना ये एक्स लंबाई का है, इस रास्ते की चौड़ाई जो है वो एक्स है। क्लियर है, बात समझ में आई। मैंने माना वो एक्स है, तो ये अंदर वाले की लंबाई कितनी हो जाएगी। आपने कहा 38 ये था, एक्स इधर से कम हो गया, एक्स इधर से कम हो गया। आपने चौड़ाई की बात की तो क्या हो जाएगा, 32 ये था, माइनस एक्स और माइनस एक्स इधर से कम हो गया, ये तो होगा। आपने कहा बिल्कुल। तो इसकी जो विदाउट रास्ते के जो लंबाई हो कितनी है, 38 माइनस 2x, और चौड़ाई कितनी है, 32 माइनस 2x, ये इसकी चौड़ाई है। अब देखो उसने बोला रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, अगर मैं इस बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल से इस अंदर वाले क्षेत्रफल को घटा दूं, अंदर वाले का क्षेत्रफल कितना था, लंबाई 38 माइनस 2x, चौड़ाई 32 माइनस 2x, तो मुझे 600 मिलना चाहिए, ये तो मतलब है। हाँ जी, अगर मैं ऐसे करूँ तो आप समझ रहे हो ना कि भाई 38 गुणा 32 माइनस का अगर मैं करता हूँ तो भाई पूरे आयत का क्षेत्रफल में से अगर मैं उस अंदर वाले रास्ते को छोड़कर क्षेत्रफल निकाल दूँ तो रास्ते का क्षेत्रफल आना चाहिए, वही मैंने कर दिया। तो अब क्या हुआ, अब 38 गुणा 32 तो आपने ऐसे छोड़ दिया, 38 मल्टीप्लाई बाई 32 माइनस, अब इसकी गुणा करें, देखो 38 की गुणा 32 में की तो क्या हुआ, 38 मल्टीप्लाई बाई 32 माइनस का, जब 38 की गुणा इसमें हुई भाई इसकी समय 38 की, तो माइनस का 38 दूनी 76x, और जब इसकी गुणा इसमें हुई तो माइनस का 32 दूनी 64x, और प्लस का 4x स्क्वायर बराबर 600, यही होगा ना भैया, बात समझ में। नमस्कार 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 सभी को, मेरे प्यार भरा नमस्कार। अब मैं इधर कर देता हूँ, अब ये क्या हुआ, ये हुआ 38 गुणा 32 माइनस, इसको करें 38 मल्टीप्लाई बाई 32 प्लस माइनस का 6 और 4 10 7 6 140 एक्स प्लस का और माइनस का 4x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ 600। अब इससे इसको काट दें, मल्टीप्लाई मत करना तो मुश्किल पड़ेगा। अब क्या हुआ, अब आपने इसको 4 से डिवाइड कर दिया तो क्या बना, ये हुआ 4 3 12 4 5 20 35x माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 150। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस का 35x प्लस का 150 बराबर 0। अब इसके फैक्टर निकाल लो आप, गुड राधे राधे, बात समझ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को तो मुझे बता देना। अब इसके फैक्टर कर लूँ, अब क्या करेंगे, फैक्टर में क्या होना चाहिए कि 150 के ऐसे दो फैक्टर करो जिनको जोड़ने पर 35 आए और मल्टीप्लाई करने पर 35। भाई मल्टीप्लाई करें तो 150 आए और जोड़ें तो 35 आए, तो आपने क्या देखा, अर्पित अर्पित जी कोई बात नहीं है, वो देखो सबकी इच्छा है, वो सबकी इच्छा है कि वो कहाँ जाना चाहता है ना। चलो अगर मैं बात करूँ 30 और 5 की, 30 5 150 और 30 और 5 35, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे यहाँ पर इधर, आपने कहा लिख दो, तो क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस का 30x माइनस का 5x प्लस का 150। अब इसको फैक्टर करो, x कॉमन निकला तो x माइनस का 30 माइनस का 5 बाहर निकाला तो x माइनस का 30, तो दो फैक्टर्स के बन गए, क्या क्या बन गए, एक तो बना x माइनस का 5 बराबर 0, x माइनस का 30 बराबर 0, तो यानी x बराबर 5 और x बराबर 30। अब दो वैल्यू हुई, अब देखो ये रास्ते की चौड़ाई 30 तो नहीं हो सकती क्योंकि 30 जोड़ दोगे घटा दोगे तो 32 कभी नहीं बचेगा, तो यानी 5 ही हो सकती है ना, क्योंकि 30 तो पुट ही नहीं कर सकते क्योंकि एक्सेस हो जाएगा, तो यानी रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर है। बात समझ में आई, सवाल थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, लेंथी हो सकता है, लेकिन समझने की कोशिश करना तो आपको आसानी से सवाल समझ में आ जाएगा। इज इट क्लियर नाउ, सबको समझ में आ गया होगा सवाल, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो
क्लियर है भैया, समझ में आया हाँ के ना? यस ओके, तो मैं आगे बढ़ूं? वेरी गुड, एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर, चलो ये रहा। तीन भिन्नों का योग 2 सही 11/24 है। सबसे बड़ी भिन्न को सबसे छोटी भिन्न से भाग देने पर 7/6 प्राप्त होता है, जबकि बीच वाली भिन्न से 1/3 अधिक है, जो कि बीच वाली भिन्न से 1/3 अधिक है, ये भिन्न कौन सी हैं? देखो आप चाहें तो इसको यहीं से सॉल्व कर सकते हैं बाय ऑप्शन, या तो बाय ऑप्शन सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसको बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैंने दोनों हिंट दे दिए हैं आपको कि तीन भिन्नों का योग जो है 2 सही 11/24 है। अब देखते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है। तो आपको तीनों भिन्न, जब ऐसे सवाल मिल जाते समझ लेना बल्ले बल्ले हो जाती है आप लोगों की, क्योंकि ऐसे सवाल आप आसानी से कर पाते हैं। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है, इनमें से कौन सा सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे आप। क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखो, या तो आप इन तीनों को शॉर्टकट इनको जोड़ लो, क्योंकि तीनों का योग 2 सही 11/24 आना चाहिए। इन तीनों को जोड़ दें, आपने कहा 3/5 + 4/7 + 2/3। अब देखो इसका एलसीएम कितना, 7 × 5 = 35 और 35 * 3 = 105, 105 इसका एलसीएम आया। अब 105 से तो 24 नहीं बनेगा किसी भी, क्योंकि 105 का तो कोई मल्टीपल 24 नहीं होता है। चलाता हूँ अर्पित, तो ये तो गलत हो गया। इसको देखते हैं, इसको देखिए 7/8 + 5/6 + 3/4। ओके अब देखो इसका एलसीएम 24 आ गया, सवाल बन गया मेरा। तो 8 * 3 = 24 7 * 3 = 21 6 * 4 = 5 = 20 4 * 6 = 24 6 * 3 = 18 कितना हुआ 20 + 20 = 40 + 10 = 50 ये हो गया आपका 59/24 24 * 2 = 48 11/24। तो ये तो शॉर्टकट था कि भाई ऑप्शन आप इसको कर सकते थे, भाई ऑप्शन इसको कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना पड़ा। आपको पता है उसने तीन भिन्न दिया, उसने शुरू में बोल दिया, स्टार्टिंग में बोला इनका योग इतना है, तो योग प्राप्त करने के लिए आपने आसानी से काम कर दिया। अर्पित भाई बताता हूँ, बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, हाँ के ना यस के नो? ओके ग्रेट। अब इसको अगर बेसिक से करना चाहते तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता, वो बेसिक से भी बता देता हूँ। अगर आप इसको बेसिक से करेंगे, हमने क्या माना कि माना हमने तीन भिन्न हैं, कौन कौन सी हमने माना भिन्न एक्स वाई और जेड तीन भिन्न है। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि भाई बड़ी भिन्न को छोटी भिन्न से भाग देने पर, मैंने बड़ी भिन्न ये माना है छोटी भिन्न ये माना है, एक क्रम से मानी गई हैं सब, ये ऐसे हैं। तो उसने बोला एक्स अपॉन जेड किया जाए तो क्या होता है, उसका वैल्यू 7/6 प्राप्त होता है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं, उसने दूसरे कंडीशन में क्या बोला है कि अगर आप बात करें दूसरी भिन्न की, तो अब हम बात करते हैं कि जो कि दूसरी भिन्न से कितना कम है, आपने कहा कितना कम है, 1/3 कम है, तो अब यहाँ से x का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपने कहा 7/6 × z है ना। अब ये बात तो समझ में आई, उसने बोला जो कि बीच वाली भिन्न से 1/3 अधिक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बीच वाली भिन्न तो y थी, y इज इक्वल टू 7/6 - 1/3। अब क्या हुआ, आपने कहा सर ये आ गया 5/6। ओके ये आ गया 5/6। अब आपका सवाल बेसिक से आ रहा, अब क्या हुआ आपको सारी वैल्यू मिल गई। अगर मैं तीनों को जोड़ूं तो कितना आना चाहिए था, तीनों को जोड़ने पर x + y + z = 2 सही 11/24। अब तीनों भिन्न आपकी क्या निकाली, एक तो निकाली आपने 7/6, सबको जोड़ दें तो आपने कहा ओके 7z/6 + y का वैल्यू मैंने निकाला अभी कितना 5/6 + z। अब भी वही करना पड़ेगा आपको, अब आप यहाँ से भिन्न निकालेंगे तब जेड का वैल्यू निकलेगा, तो ये बहुत टिपिकल हो जाएगा है ना, ठीक है ना, क्लियर है। तो आप जो है इस वाले सवाल को इस तरह से करेंगे, टाइम लगेगा, तो हम क्या करेंगे इसे कर। अब आपको देखो यहाँ पर जेड का वैल्यू निकल आएगा, अब जेड का निकलेगा, जेड का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा, वाई का वैल्यू निकल ही आया 5/6। तो देखो वाई का वैल्यू वैसे भी 5/6 सिर्फ इसी में था। ओके एक और सवाल, चलो दो संख्याओं का एलसीएम उनके मैसे का 12 गुना है, मैसे और लैसे का योग 403 है,
यदि उनमें से एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या क्या है, ये आपको बताना है। तो मैं चाहूँगा जवाब मिलेगा मुझे तेज़ी के साथ, सिंपल सवाल है, उम्मीद करेंगे आपका जवाब तेज़ी से मिलेगा और आप अच्छे से सवाल करने की कोशिश करेंगे। ग्रेट, ओके, सवाल देखेंगे तेजी से क्या जवाब खुल खिलता है इसका। ओके, तो जवाब मिलने लगे हैं आप लोगों के भैया, और जवाब पर तो आप लाजवाब हैं, मुझे पता है हमेशा आपके जवाब हमेशा लाजवाब होते हैं। और यहां पर बच्चा करवा दूंगा, डोंट वरी मनोहर, सारे करवा दूंगा, चिंता ना करें, सीटेट के सारे प्रीवी से करवा दूंगा, चिंता ना करो, पहले इसको समझ लो, सीटेट बहुत बाद में, पहले यूपीटेट है। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है, मैसे और लैसे का योग इतना दिया है, उनमें से एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखो सवाल थोड़े से लॉजिकल बनाएंगे, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सवाल बस थोड़े से लॉजिकल है, मैं भी इसको करा देता हूँ, डोंट वरी। और यहाँ पर ए ऑप्शन मिला है, थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है, चलो देखते हैं। मैंने एलसीएम और एचसीएफ दिया है, मैंने माना चलो एचसीएफ है और ये एलसीएम है, अगर उनका मैसे का 12, अगर उनका एचसीएफ एक्स है तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 12x। देखो अगर मैं आपसे बात करूं, उनका एलसीएफ एक्स है, उसने बोला ना उनका एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है, तो एचसीएफ अगर हम एक्स कर लें तो एलसीएम तो 12x हो गया ना। आपने कहा बिल्कुल हो गया, उसने आगे क्या कहा, उसने कहा इन दोनों का टोटल 403 है, तो मैं x और 12x एलसीएम और एचसीएफ को जोड़ूं तो 403 आना चाहिए, यानी 13x इज इक्वल टू 403, तो x क्या हो जाएगा 403/13, 13 39, 13 31 31, तो x का वैल्यू 31 आया, यानी उसका एचसीएफ जो है वो 31 है, और तो एलसीएम कितना हुआ 12 गुणा 31, तो 12 31 12 36 और 37 372। अब आपको पता लग गया एलसीएम कितना है, आपने कहा 372, एचसीएफ कितना है आपको पता लगा, दैट इज 31, यही तो हुआ है, दो चीज समझ में आ गई। अब क्या हुआ, अब आपको पता है उसने बोला है अगर एक संख्या 93 है दूसरी संख्या क्या है, शायद सबको पता है ना, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। अब एक संख्या तो आपको पता 93 है, बी का वैल्यू पूछ रहा है, एलसीएम आपको पता है 372 है, एच सी एफ अपने 31 निकाला है, तो b इज इक्वल टू वट 93, दैट इज 3, तो 3 एकम 3, 3 2 6 3 4 12 124, तो राइट ऑप्शन क्या है 124। आसान था, समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, मेरी तरफ मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ऐसा मुझे विश्वास है कि प्रॉब्लम में तो आप नहीं होंगे और क्वेश्चन को आसानी से कर रहे होंगे, है ना, क्लियर है ना, वेरी गुड। थोड़े से बड़े सवाल हो सकते हैं लेकिन ये आपको पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम का लेवल थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, सो डोंट वरी, इट मे बी पॉसिबल कि आपको इस तरह के सवाल मिले, क्योंकि सीधे सीधे सवाल करना आप सीख चुके हैं, हालांकि मैं आगे और भी सीधे सीधे सवाल लूंगा, डोंट वरी, अच्छा जवाब मुझे आपकी तरफ से मिल रहा है। एक और सवाल लेते हैं, चलिए, तीन संख्याएं हैं 54, 90 और x के एलसीएम व एचसीएफ लैसे और मैसे क्रम से 1890 और 18 हैं, तो आपको x का मान बताना है, सवाल आपके सामने है, चाहेंगे जवाब मिलेगा और हमें आपसे उम्मीदें हैं काफ़ी, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, सिंपल सवाल है और उम्मीद से भरा सवाल है, सिंपल आप उसको करने की कोशिश करेंगे और देखूंगा जवाब क्या मिलेगा। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, तीन संख्याएं हैं 54, 90 और x, उनके एलसीएम और एचसीएफ यानी इन तीनों का एलसीएम 1890 और एचसीएफ 18 है। अच्छे क्वेश्चन अर्पित जी, शुक्रिया। तो मैं चाहूंगा फाइंड द वैल्यू ऑफ थ्री नंबर्स, यहां को आपको एलसीएम है, ये इट इज एलसीएम एंड एचसीएफ, इसको लिख लीजिएगा एलसीएम एंड एचसीएफ आपको दिए हैं, तो आपको एक्स का वैल्यू बताना क्या होगा। देखो अब तक आपको और तरह के सवालों को थोड़ा सा मोल्ड किया गया है, सवाल वही है, आपको एलसीएम पता है, आपको एचसीएफ पता है, आपको दो संख्याएं पता है, तीसरी संख्या निकालनी है। चलो मैं इनको बता देता हूं आपको एक बार और समझा देता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए सवाल, नहीं तो आप प्रॉब्लम करोगे और शायद आपको गलती भी के चांसेस मिलेंगे, आप भी कर सकते हैं,
देखो अगर मैं बात बोलूं कि भाई उनका एचसीएफ 18 है, तो इसका पहले मीनिंग समझो, 18 का मीनिंग क्या है। अगर किन्हीं संख्याओं का एचसीएफ 18 होता है तो मतलब वो सारी संख्या 18 की मल्टीपल होंगी, ये तो आप सब जानते हैं ना। अगर उन तीनों का एचसीएफ 18 है तो मतलब वो संख्या 18 से कटेंगी, तो जैसे 18 से 54 कटता है, 18 से 90 कटता है, तो ये भी तो x भी तो 18 का मल्टीपल होगा ना। तो मैंने माना कि जो इनकी जो मेरी संख्या थी वो क्या है, वो 18 है, तो x मैंने 18a माना क्योंकि a इसका मल्टीपल है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आपके सामने सवाल क्या था, आपको बताना था कि इनका एलसीएम कितना है। चलो लिखते हैं 54 90 और 18a का एलसीएम कितना होगा। आपने बोला है 1890 ऑलरेडी गिवन है ना। तो चलो हम इसको देखते हैं सवाल को, और अब यहाँ पर सवाल करने की कोशिश करते हैं। यानी अगर मैं इसके फैक्टर करूँ, अगर मैं इसका एचसीएफ निकालूँ तो क्या करेंगे भाई, इसको फैक्टर करके देखें जरा, मुझे एलसीएम बताओ क्या आएगा। चलो इधर निकालते हैं 54 90 और 18 ए, दो से काटे 27 बार, 45 बार 9 बार, यही तो हुआ। अगर आप जब बात करेंगे ये तो होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा ना। तीन से काटते हैं, 3 × 27 15 × 3 = 45 और 3 × 3 = 9 ए। अब आपने इसको फिर 3 से काटा तो क्या बचा, आपने कहा सर 3 × 3 = 9 3 × 5 = 15 3 × 1 = 3 ए। अब आपने 3 से डिवाइड कर दिया, 1 × 5 और ए। अब आपने इसको 5 से डिवाइड कर दिया, अब ये आपका ए, अब ए से डिवाइड कर दें तो क्या बना, इनका एलसीएम क्या है, ये आया। लिख दूं मैं इसको 2 × 3 × 3 × 3 × 5 × a = 1890 है। तो अपने a का वैल्यू निकाल दिया, क्या होगा 1890 / 2 × 3 × 3 × 3 × 5, यही तो हुआ। अब a का वैल्यू निकाले तो क्या होगा, इसको डिवाइड कर दो जरा कितना आएगा, तो देखते हैं आपका जवाब कितना मिलता है। 5 से काटें, 5 × 3 = 15 / 3 5 × 7 = 35 4 × 5 = 48 9 से काट देते हैं, 9 × 36 9 × 2 = 18 6 × 6 = 42 तो a बराबर 7। तो यानी जो वैल्यू है वो 7 है, और वैल्यू क्या थी 18a, एक्स का वैल्यू तो 18a था ना, a का वैल्यू 7, 18 × 7 = 126 तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, इट्स 126। क्लियर है, सबने निकाला, बहुत अच्छा। तो मुझे दीपक, अर्पित, टीनू, कादम्बनी सब लोगों ने अच्छे से आंसर दिए हैं, 126 इसका सही जवाब था, काफी अच्छे तरीके से जवाब दिया है, दैट्स नाइस। तो अब आगे बढ़ें एक सवाल की ओर, देखते हैं और जानते हैं एक और सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कहता है। अच्छा सवाल है, इसको भी करने की, बच्चों वाला सवाल, इसको तो कर देंगे। क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 680621 में जोड़ने पर योगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या आए क्या होगा, 4 5 6 8 द स्मॉलेस्ट नंबर विच वेन एड इट टू 680621 गिव दिस सम ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर। देखो इसको मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, आप पहले इसको कर लो अपने तरीके से, फिर मैं इसको ट्रिक से भी बताऊंगा कि आप इस सवाल को कैसे कर सकते हैं। तो ये आपको जानना जरूरी है जिससे कि आपका जवाब आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है ना। इसको समझने के लिए आपको कुछ एनालिसिस जाननी होगी तभी आप इस सवाल को जान पाएंगे। ओके, नहीं फोन बाद में रिसीव करेंगे अर्पित जी, क्लास इंपॉर्टेंट है, फोन तो बाद में भी आ जाएगा। मैं सबसे छोटी संख्या जिसे इतने से जोड़ने पर, अब देखो यहां पर दो चीज समझना, मैं पहले इसको बाई ऑप्शन बताता हूं, और बाई ऑप्शन उसने बोला पूर्ण वर्ग, तो पहले उससे पहले एक एनालिसिस मैं आपको बता देता हूँ पूर्ण वर्ग होने की क्या प्राथमिकता है। अब देखो अगर मैं इकाई के अंक पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 या 0 इनके अलावा तो कोई नंबर नहीं आएगा ना, यही नंबर तो आएंगे, इसके अलावा तो कोई नंबर नहीं होगा ना। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो 1 आता है, इसका स्क्वायर करता हूँ तो 4 आता है, इसका स्क्वायर करता हूँ 9, इसका स्क्वायर करता हूँ तो 16 25 36 49 64 और 81, यही तो होते हैं। तो अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो मैं यूनिट प्लेस क्या देखा, इसका यूनिट प्लेस 1 है, इसका 4 है, 9 6 5
6, 9, 4, 1, तो ये यूनिट प्लेस आते हैं जो रिपीट भी हैं। यानी किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग निकालो या वर्गमूल निकालो, वो तभी पूर्ण वर्ग बन सकता है जब उसके यूनिट प्लेस पर क्या हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 या 9 हो, ये तो हो ना, 1, 4, 5, 6 और 9। अगर ये संख्या किसी के यूनिट प्लेस पर है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। समझ में आ रही बात? तो चलो देखते हैं, अगर मैं इसमें 4 जोड़ दूं तो ये 25 हो जाएगा, तो ये तो पूर्णक बन सकता है पहले वाला सा। 5 जोड़ दो 26 हो जाएगा, ये भी बन सकता है। 6 जोड़ूं तो 6 और 1 7, 7 से तो नहीं बनेगा ना। अगर इसमें मैं 6 जोड़ता हूँ तो इकाई के अंक पर 7 होगा, और 7 तो है ही नहीं, क्योंकि अगर किसी यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7 और 8 है तो वो कभी भी पूर्णक नहीं बन सकती। ठीक है, तो ये तो वैसे कट गया, इसको भी काट दिया। अब क्या करें, अब 5 का नियम देखते हैं। तो 5 का नियम कहता है, जैसे मैंने लिखा 625, तो 625 में क्या होता है, 25 का फैक्टर 5 और इन दोनों का कॉन्जुगेट एलिमेंट की मल्टीप्लाई 2 गुणा 3, तो छोटी संख्या लिख देते हैं। जैसे मैं 35 का स्क्वायर करता हूं तो क्या होगा, आपने कहा 5 पंजे 25 और 3 से काटें तो कितना हो जाएगा, तो 3 चौक 12, यानी इससे आगे वाले की मल्टीप्लाई। अगर हम 45 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25, 4 से आगे क्या आता है 5, 4 पंजे 20। अगर हम ऐसे 65 का स्क्वायर निकालें तो क्या होगा, 5 पंजे 25 और 6 से आगे क्या आता है 7, 7 छंग 42। तो इसको अपोजिट भी तो कर सकते हैं, अगर हमें 25 लिखा है तो 25 का तो 5 बन गया, और 12 के दो फैक्टर देखे तो 3 गुणा 4, छोटा वाला आपने पुट कर दिया, तो ऐसे भी इसको कर सकते हैं ना। तो ये बात आपको याद रखनी है, तो एनालिसिस को समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ 5, 4, तो ये 25 बन जाएगा। अब ये रिमेनिंग नंबर जो है दो कॉन्जुगेटिव नंबर का मल्टीपल होना चाहिए। अब 8, 68, 60, 6 के दो कॉन्जुगेटिव मल्टीपल की अगर हम बात, इस थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, बात करें तो कितना होगा। देखो अगर मैं 824 में 825 का गुणा कर दूं तो मेरा सवाल बन जाएगा, बस यही तो सवाल था, बस समझ में आ गई। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 4, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको जैसे मैंने बताया वैसे भी कर सकते थे। क्लियर है? तो यानी ये 84 और 82, इसे दो 82 में अगर 83 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, तो 82 अभी यहाँ पर लिख सकते हो, तो राइट ऑप्शन 85, तो राइट ऑप्शन है ए। हालांकि आप इसको ऐसे ही पहचान लेते 25 से पूर्णक बन जाएगा, तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। अदरवाइज आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, मैं कैलकुलेट करके भी बता देता हूँ तरीका नंबर 1 क्या है, उसको भी समझ लो। अगर ये आपको टफ लग रहा हो तो मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ, आप इसका वर्गमूल निकाल लो, क्योंकि पूर्णक पूछा है ना उसने, तो 680621 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो क्या होगा, आपने कहा जोड़े बन गए ऐसे, तो आपने कहा सबसे पहले 8 से जाएगा, 8 अट्ठे 64, कितना बचा 4, 8 प्लस 8 16, आपने जोड़ा उतारा 6 का, अब 16 चौके 16 3 48, 3 बार 2 बार जाएगा ये, तो 16 दूनी 32 होते हैं ना, तो 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 एकम 2 और 1 3, तो 6 में से 4 गए 2, 10 में से 2 गए 8, और यहाँ हो गया आपका 2, 164। अब आपने ऊपर से उतारा 21, अब यहाँ पर आपको क्या पुट करना है, अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ 4, 16 चौका 64, तो ये 4 बार जाएगा। अब 4 बार जाने के बाद देखें तो कितना हुआ, आपने कहा 4 चौक 16, तो ये होगा 6576 होना चाहिए ना, इतना चाहिए 6576, बिल्कुल 1645 आपके यहाँ रिमेनिंग बच जाएगा, जो कि एक्स्ट्रा है ना। तो अब अगर यहाँ पर 5 रखते 5, तो कितना होता, आपने कहा इधर दिखाता हूँ, 5 पंजे 25 का 5 का 8 2 2 1, 5 पंजे 25 का 5 का, हाँ से लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22, हाँ से लगा 182, तो 4 एक्स्ट्रा 4 नॉइनस का बच रहा है, तो इसमें 4 जोड़ दो, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है ना, हाँ मैं बता रहा हूँ, 4 बार रुको इतना बच जाएगा, तो मैंने 5 बार किया तो मेरा माइनस का 4 बचा, यानी 4 कम है, अगर इसमें 4 और जुड़ जाता तो पूरा बनवर बन जाता, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे किया हमने तो बहुत बढ़िया, तो मैंने सारे आपको तरीके बता दिए हैं, एनालिसिस भी बता दिया। एक और सवाल, बहुत अच्छा सवाल आपके स्क्रीन पर है, यदि 9 to the, मैं लिख दूँ अगर प्रॉब्लम हो तो, ये क्वेश्चन ऐसे 9 to the power n मल्टीप्लाई बाई 3 square मल्टीप्लाई बाई 3 to the power n upon 2 -27 की पावर n अपॉन
थ्री टू दी पावर 3m मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1/27 हो तो m माइनस n क्या है? खतरनाक सा तो नहीं लग रहा देखने में, ऐसा लगता है कि बहुत खतरनाक सा सवाल लग रहा हो, लेकिन इतने खतरनाक ही होते नहीं है, आप इनको आसानी से कर सकते हैं। चलो देखते हैं सवाल का जवाब क्या है, कौन कौन करता है इस सवाल का जवाब। तो जब इस तरह के सवाल आपको मिल जाए ना, तो सबसे पहला काम होता है आप इन सभी प्रश्नों को एक पावर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तभी सवाल हो पाएगा। तो चलो मैं इसको करवा देता हूँ। देखो 9 to the power n है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे 3 की पावर 2n। भाई देखो 3 की पावर 2 कर दिया, 2 की गुणा कर दी, 3 की पावर 2 मल्टी। अब देखो 3 की पावर, जब पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो कितना हो जाएगा 3 to the power minus n। क्यों? देखो अगर मैं 3 to the power n/2 में -2 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 से 2 कट जाएगा, तो माइनस एन रह गया ना, -27 को लिख दूँ मैं 3 की पावर 3n। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को यहाँ तक, हो तो मुझे बता दो। अपॉन 3 to the power 3m मल्टीप्लाई बाई 8 बराबर 1/27। सिर्फ मैंने इतना काम किया है, क्योंकि 3 की पावर जब 9 करोगे तो 9 की पावर 2 की पावर 3 की पावर 2 की पावर n कर सकते, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिर्फ मैंने इतना लिखा, यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो मुझे बता दो, कोई प्रॉब्लम। अब देखो 3 की पावर 1 जैसी आ गई, सबको जोड़ दें तो 3 to the power 2n + 2 - n। तो मैं इसको क्या लिखूँ, 2n में से n गया तो कितना बचा 1n, n प्लस 2 यही बचेगा ना, -3 to the power 3n अपॉन 3 to the power 3m मल्टीप्लाई बाय 8। जहाँ जिसको समझ में ना मुझे बता देना, जहाँ जिसको समझ में ना आए मुझे तुरंत बता देना कि सर यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। ओके एक मिनट, माफ़ करिएगा दोस्तों, ये माइनस था और ये तो माइनस देखा ही नहीं मैंने, माइनस है ये प्लस हो जाएगा, इट्स 3n, ठीक है ना, क्योंकि ये प्लस था, ये भी तो पावर माइनस थी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये 2 to the power प्लस बचेगा। अब ठीक है ओके बराबर 1/27। अब क्या करें भाई, अब देखो 3 ऊपर भी है नीचे भी है, तो क्या मैं इस 3 से कुछ, अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं अगर हम बात करें इस वाले को, अब 3 to the power 3n + 2 - 3 to the power 3n यहाँ पर लिखा हुआ है, अब सारा सवाल आपके सामने है, तो क्या मैं इसको देखो 3 की पावर n इसमें से कॉमन निकालता हूँ, 3 to the power 3n मैंने यहाँ से कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचेगा, आपने कहा 3 का square - 1। ये 3 की पावर 3m था, इसको क्या कर दें, आपने कहा 9 - 1 लिख दूँ मैं बराबर 1/27। भाई इसको 9 - 1 लिख सकते हैं ना हम, अब देखो ये भी तो 9 - 1 ही लिखा है, 3 - 9 - 1 जगह कम है इसलिए बता रहा हूँ, भाई ये भी तो 9 - 1 ही लिखा है, इससे पूरा कट जाएगा हाँ कि ना, आपने कहा बिल्कुल कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, आपने कहा बिल्कुल कटेगा। तो आप अपने क्या देखा, आपको मिला 3 to the power 3n / 3 to the power 3m इज इक्वल टू 1/27। कितना बड़ा सवाल था हमारा, कितना सा सवाल हो गया है ना। अब क्या करें, चलो करते हैं इसको ऊपर ले गए, तो 3 to the power 3n - 3m इज इक्वल टू, इसको लिख दो 1/3 की पावर 3, ऊपर जाएगा तो 3 की पावर - 3, 3 से 3 कट गया, तो क्या बचा 3n - 3m इज इक्वल टू -3। 3 से डिवाइड कर दें तो n - m = -1। उसने पूछा m - n, तो माइनस की मल्टीप्लाई कर दी हमने इसमें, तो क्या हुआ m - n = 1। तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर A, 2 नहीं होगा इसका उत्तर। अभी समझ में आया सबको, थोड़ा सा टिपिकल सवाल है। देखो मैंने पहले ही बोला था कि सवाल का लेवल थोड़ा सा हाई होगा, आप उनको समझने की कोशिश करेंगे तो ये आपको एक बार में समझ में आ जाएंगे। क्लियर है, किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ ले, कहीं प्रॉब्लम आई हो तो मुझे बताओ, या कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि सर यहाँ हमें प्रॉब्लम हो रही थी सवाल में, तो आप ये वाला सवाल हमें फिर से बता दो। हाँ कोई बात नहीं अर्पित जी, गलत सही तो होता रहेगा, एक्चुअली बहुत सारे लोचे थे ना इसमें, भाई आपको कैसे करना था ये नहीं समझ में आ रहा था, इसको कैसे ब्रेक करें ये समझ में नहीं आ रहा था, इस आर्ट को कैसे हटाना ये समझ में नहीं आ रहा था, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ये अटक जाती हैं और ये प्रैक्टिस से आती हैं। अब आपको ये सवाल मिल जाएगा तो कोई बात नहीं अर्पित, ये तो गलत सही होता रहा, मैथमेटिक्स इसी का नाम है, तो ये आगे तक चलता रहेगा। इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया भाई, सभी लोगों को समझ में आई है, जिसको ना समझ में आई हो फिर से एक बार इसको रिकॉर्डेड सेशन को जरूर देखें। एक और सवाल,
एक छात्र को एक संख्या में 8/17 से गुणा करने के लिए कहा गया, उसने गलती से 8/17 से भाग कर दिया, उसका उत्तर सही उत्तर से 225 अधिक आया, वह संख्या क्या थी? देखते हैं जवाब क्या मिलता है। एक छात्र को एक संख्या में 18/17 से गुणा करने के लिए कहा गया, उसने गलती से उसमें भाग कर दिया, तो उत्तर जो था 225 ज्यादा आ गया, तो मतलब क्या है? तो आपको बताना है वो संख्या कौन सी है। देखते हैं जवाब में कितना आप दिखाते हैं मजबूती और सवाल को देते हैं मुझे तेजी के साथ। अच्छा अच्छा सा चलो मैं बता देता हूं। हमने वो संख्या सपोज x मान ली, उसको बोला गया इसमें 8/17 से गुणा कर दो। पहला स्टेप, गलती से उसने क्या की, उसने x में 8/17 से भाग कर दिया, गलती यही तो की, यानी ये ऊपर आ गया तो 17x/8 हो गया, तो उसका उत्तर 17x/8 आया, यहां तक तो प्रॉब्लम नहीं है। उसने बोला ये वाला कितना हुआ 8x/17, पहले वो ये करना था उसने ये कर दिया, उसका उत्तर कितना ज्यादा आया, दोनों का अंतर 225 हो गया, यही तो मतलब होगा। हाँ भैया, भाई दोनों का मतलब ये तो होगा 17 और 8 का एलसीएम 136, 8 17 में 17 की गुणा करेंगे तो 289 माइनस का 17 में 8 64 इंटू एक्स इजिकल टू 225। ये क्या बना 225x बटे 136 बराबर 225, या आप कह सकते हैं x इजिकल टू व्हाट 225 मल्टीप्लाई बाई 136 अपॉन 225। तो x बराबर वो संख्या 136 थी। कितना आसान सवाल था, आसान था ना। अब खामखा घबरा जाते हो कि सर सवाल इतना भयंकर है, हम कैसे करेंगे, हमसे तो होगा ही नहीं, या वाह वाह, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती हैं, है ना। लेकिन उनको चलने नहीं देना है, उनको समझना है। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर रखता हूं और चाहूंगा इसका भी उत्तर आप आसानी से देने की कोशिश करेंगे। एक खोखले बेलनाकार पाइप में धातु का आयतन 527 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर और बाहरी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, पाइप की मोटाई कितनी है? देखो मैं इसको बना देता हूं, मैं इसका चित्र बना देता हूं जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। यह एक बेलन है, यहां बनाता हूं, इधर आपको अच्छा समझ में आएगा। यह एक बेलन है, ठीक है ना। उसने कहा एक धातु के गोलाकार पाइप में धातु का आयतन, अब इसके खोखला है तो खोखला बनाना पड़ेगा मुझे, चलो खोखला भी कर देते हैं इसको। अब ये ऐसा पाइप है, खोखला, ठीक है ना, समझ रहे ना सवाल को ध्यान से। उसने बोला इस बेलनाकार पाइप में धातु का, अब धातु कितना है भाई, यहां तो खोखला है ना, तो इसकी जो आंतरिक त्रिज्या होती है उसको आर मानते हैं, जो इसकी बाहरी त्रिज्या होती है यहां से यहां तक की ये वाली, इसको हम कैपिटल आर मानते हैं। तो धातु ये आर है, ये कैपिटल आर है, तो मैं इसको कलर कर से दिखा देता हूं जिससे आपको आसान लगे, ये वाला चित्र समझ में आ जाएगा, सवाल हो जाएगा। ये वाला ये आर है, तो ये वाला कितना है, कैपिटल आर है, तो इसकी जो मोटाई है भाई वो इस पूरे यहां से यहां तक आर में से अगर मैं इस वाले को निकाल दूं तो इसकी मोटाई क्या होगी, आर माइनस आर, ये तो होगी। अगर मैं इसकी मोटाई इसमें से निकाल दूं तो ये जो पूरी यहां से यहां तक की रेडियस थी इसमें से खोखली वाली निकाल दी, तो ये ठोस वाली आकृति के तो मोटाई बची, तो वो आर माइनस आर आपसे पूछ रहा है। उसने इस वाले आर का वैल्यू आपको 7 दिया हुआ है और इसकी जो ऊंचाई है वो h जो है वो 14 दी हुई है। अभी शायद आपको समझ में आ रहा होगा इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए, तो देखते हैं आपका जवाब। मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, अब करने की कोशिश आप करोगे तो अच्छी बात, नहीं तो मैं करा देता हूँ। हाँ कोई बात नहीं अर्पित, मैंने इसलिए आपको समझा दिया है कि इसको कैसे करना है, तो बता दें। देखो जब भी आप किसी खोखले बेलन का आयतन निकालते हैं तो वैसे बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्योंकि यहाँ पर खोखला बेलन है तो आर दो है, तो इस आर का मतलब कितना है, आर माइनस आर का स्क्वायर। बात समझ में आई, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, पाई एच इंटू आर माइनस आर का होल स्क्वायर, ये इसका पूरा टोटल आयतन बनेगा। आपने कहा ओके बन गया, और ये आर स्क्वायर को ऊपर नहीं करेंगे, माफ करिएगा आर स्क्वायर तो ये अलग अलग स्क्वायर है, ऐसे
इज इक्वल टू कितना आयतन है? आपने कहा 5, 2, 7। तो पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों रेडियस की मोटाई आपको लेनी है, वही उसकी रेडियस मानी जाएगी। तो आपने अब सवाल कर दिया, अब क्या हुआ? आपने कहा पाई का वैल्यू तो 22/7 होता है, एच आपको 14 दिया हुआ है, इस आर का वैल्यू आपको पता है 7 का स्क्वायर, इस आर का वैल्यू नहीं पता छोटे वाले आर का, भाई छोटा वाला आर तो आपको दिया ही नहीं है ना, तो यही तो सवाल है, तभी तो आंसर निकलेगा। इस आर का वैल्यू निकल आएगा तो इसकी मोटाई आ जाएगी बराबर 5 × 7। अब देखो 7 × 2 = 14, इसको उधर भेज दिया तो 22 × 44, तो मैंने देखा 7³ माइनस का आर क्यूब इज इक्वल टू 5 × 7 / 22 × 2। ठीक है भैया, जब किसी को दिक्कत आए तो मुझे बता देना, जहाँ पर भी कोई समस्या है तो यू कैन ईजिली कॉल्ड। ओके ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा जवाब क्या आता है। तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर कितना, इसको काट कर देखिए कितना बार कटेगा, तो 7, 5, 27 था, ठीक है 7, 5, 12 में से 2 गए 10 नहीं, तो इसको काटते हैं 13 से 22 × 44 का डिवाइड कर दो सीधा, तो ये 527 ही है ना, सॉरी माफ़ करिएगा दोस्तों ये उल्टा लिख गया, ये कटेगा ही नहीं, इसको 572 कर लो तब कटेगा, ये 572 कर लें तभी कटेगा, 527 पर नहीं कटेगा। ओके इट्स 572, ये नहीं तो कटेगा ही नहीं है ना, उत्तर नहीं मिलेगा, तो उसको 572 कर लीजिएगा। ओके इसलिए मैं बता रहा हूँ कभी गलती ना कर दें आप लोग, हाँ ये 572 हो जाएगा, इसको मैं ये उल्टा टाइप में कुछ दिक्कत हो गया है इसलिए मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, अभी आपको ये दिख जाएगा, डोंट वरी। ओके आपको शायद दिख भी रहा होगा, थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा, मैं इसको अपडेट कर दूँ आपके सामने जिससे कि प्रॉब्लम ना हो। अभी शायद आपको 572 दिख भी रहा होगा। ओके दिस इज 572। ओके हाँ क्योंकि मैं कट तो है ही नहीं रहे, 572 अब कट जाएगा, देखो इसको अब काटेंगे तो मुझे दिक्कत होती इसको चलाने में। ओके अब देखो दो से 7, 5, 2, 7 और 7, तो 11 से काट दें तो 11, 2, 22, 11 से काटें तो 11, 5, 55 और 11, 2, 22 और 13, 4, 52, तो 7³ - r³ = 50 13। तो भाई आपने देखा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 7³ × 3 करेंगे 343, तो माइनस का आर क्यूब बराबर 13 माइनस का, अगर मैं 7³ इसमें से घटा दूँ तो कितना आएगा, आपने कहा कि सर 7³ घटा दो तो कितना आएगा उस स्क्वायर कितना 49, मैं क्यूब क्यों कर रहा हूँ इसको, स्क्वायर है ये स्क्वायर, तो कितना होगा 49 36, तो माइनस का आर स्क्वायर बराबर माइनस का 36, तो आर बराबर 36 का वर्गमूल = 6, तो यानी आर छोटा वाला 6 है, बड़ा वाला आर 7 है, दोनों का अंतर कितना होगा आर माइनस आर बराबर मोटाई 7 - 6 = 1। हाँ अरे क्या बात अर्पित, थैंक यू वेरी मच अर्पित जी, शुक्रिया, बात समझ में आ गई, तो बिल्कुल आपको सवाल को समझ में आना चाहिए कि आखिर वो पूछ क्या रहा है, अगर आपको पता लग जाएगा तो सवाल आसानी से नहीं हो जाएगा, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो भाई आज के 10 सवाल यहीं रोकते हैं, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो मुझे ज़रूर बताएं और अपना लाइक और कमेंट जरूर करके जाएं कि आपको सवाल कैसा लगा। फिर नए सेशन में मिलूंगा आपके साथ, नई क्लासेस के साथ, इसी समय, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।